पीएफएससी 2024 के जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम दिए हैं, तो अभी एग्जाम के आपके 1 मंथ हो चुके हैं। 4 अगस्त को आपने एग्जाम दिया था, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट, क्वेश्चंस, क्यूरी रिलेटेड टू रिजल्ट, डीएएफ, फिजिकल, मेडिकल एट्सेट्रा है। तो इसमें से कुछ चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कि रिजल्ट कब आएंगे। तो देखो, रिजल्ट वाले में यूपीएससी ऑब्वियसली है कि आज के डेट में कपल ऑफ इयर्स से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। इनफैक्ट सब एग्जाम में देखोगे कि धीरे धीरे करके टाइम कम करती जा रही है। लेकिन जैसे देखो, जो आपका पेपर 1 है, तो ऑब्वियसली पेपर 1 मशीन से आपका चेक होता है, ओएमआर बेस्ड होता है, तो वो ऑब्वियसली चाहें तो वो 2 दिन 3 दिन में उसको कंप्लीट कर देंगे। लेकिन जो पेपर आपके 2 है, पेपर 2 के कॉपी फिजिकली चेक करने होते हैं। तो पहले क्या होता है कि ऑब्वियसली पेपर 1 के कॉपी सबके चेक कर लिए जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे अभी इस ईयर में देखा जाए, तो इस ईयर में आपके 506 सीट्स हैं, तो रिटेन में करीब करीब आपके 3200 के आसपास, मतलब प्लस माइनस रखो 3200-3300 के आसपास रिजल्ट जो है मिलेंगे। तो इसमें से जितने कैंडिडेट्स का रिजल्ट फाइनली मिलने हैं रिटेन में, उससे थोड़ा ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के कॉपी चेक किए जाते हैं। इस वजह से कि कुछ कैंडिडेट्स हैं कि पेपर 2 में 50 मार्क्स नहीं ला पाएंगे, और कुछ कैंडिडेट्स हैं कि मार्क्स तो 50 से ज्यादा ले आए, लेकिन पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंबाइन उनका नहीं बनेगा, तो थोड़ा ज्यादा चेक होता। तो भी इतना बहुत ज्यादा नहीं है। तो जो रिजल्ट है आपका, वो किसी भी टाइम आपके 15 से 20 सितंबर के आसपास, यानी कि 10 डेज बाद किसी भी टाइम आपका आ जाएगा। तो अब आप जो भी क्यूरियस हैं, तो ऑब्वियसली बात है, खास करके ना जो कैंडिडेट्स बॉर्डर पे होते हैं, जो कैंडिडेट्स को लगता है कि मेरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा क्यूरियोसिटी रहता है। जो कैंडिडेट बहुत अच्छे पोजीशन में हैं कि यस मेरा बेल अबव कट ऑफ जो एक्सपेक्टेशन है उससे ऊपर आ रहा, उनको भी टेंशन नहीं। और जिनका बहुत खराब हो गया, बहुत पैथेटिक हो गया, तो उनको भी लगता है ठीक है मैं नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन। लेकिन खास करके जो बीच वाले होते हैं, उनके लिए ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। तो 15 से 20 सितंबर के बीच में किसी भी टाइम आ सकता है। वंस आपका सब फिजिकल और ये रिटर्न रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपको कुछ दिन में, डिपेंडिंग ऑन है कि आपके 15 डेज के आसपास आपको, या 10 डेज में आपको डीएफ फिल करने के लिए वो विंडो खोलेंगे। वो डीएफ फिल करने के लिए 8 to 10 डेज का टाइम रहेगा। 8 to 10 डेज का आपके पास टाइम रहेगा, और उस 8 to 10 डेज में आप अपने डीएफ भरोगे। डीएफ भरने का ये मतलब है कि जैसे इसके पहले जो आपने फॉर्म भरा, जो नॉर्मल फॉर्म भरा, उसमें सारे इंफॉर्मेशन नहीं आपसे मांगे गए, लेकिन इस टाइम में जब डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म यूपीएससी के भरते हैं, तो सारे इंफॉर्मेशन मांगे जाते हैं। ये इशू खास करके उन कैंडिडेट्स के साथ होता है जैसे जो अपियरिंग ईयर में है, जो जिनका ग्रेजुएशन इस ईयर में कंप्लीट या तो एग्जाम के बाद हुआ, फॉर्म भरने के बाद या तो हो चुका है या कंप्लीट होने वाला है। तो आपके लिए ये होता है कि जो डीएफ फिल करने का लास्ट डेट है, उसके पहले तक आपके पास पासिंग आउट प्रूफ होना चाहिए। तो जैसे ही फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम का फॉर्मेलिटी पूरा कर लिया है या जो भी है, तो जैसे ही रिजल्ट आपका आता है, आप अप्लाई कर दोगे कि यस मुझे फाइनल ईयर का मार्कशीट और जो प्रोविजनल्स हैं वो चाहिए। और जिनके पास, सपोज करो प्रोविजनल आपके पास हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो फाइनल के लिए। ठीक है, फाइनल के लिए जो आपका फाइनल डिग्री होती है, फाइनल जो सर्टिफिकेट होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम देते हैं। उसमें इंटरव्यू राउंड तक आप, ये इनफैक्ट इंटरव्यू के बाद तक भी टाइम देते हैं, उसमें टेंशन नहीं है। लेकिन बस आपके डीएएफ के फिल करने के लास्ट डेट तक, मान के चलो कि आपके, सपोज करो कि अक्टूबर 10th तक है, लेटेस्ट डे, अभी हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते ना, तो उस डेट तक आपके पास रिटेन, ये मीन्स ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का प्रूफ होना चाहिए। फिर वो कैंडिडेट्स जो जॉब वगैरह में हो, तो आपके पास उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट वगैरह जो पास प्रूफ है वो आपके पास होने चाहिए। फिर फिजिकल मेडिकल, देखो फिजिकल वगैरह जो है वो आपका मोस्ट प्रोबेबली ये नवंबर एंड या नवंबर, मिड नवंबर या दिसंबर, एनी टाइम स्टार्ट हो सकता है। तो नवंबर के लिए आप तैयार रहो। तो भी आपका 5th सितंबर आज हो चुका है। अब जो भी कैंडिडेट्स, जैसे जिनको भी लगता है, आप जो भी होपफुल हो, इवन इफ नहीं भी होता, मान के चलो 10 डेज 15 डेज में तो क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन जो भी होपफुल हो, तो अपने फिजिकल स्टार्ट कर दो। फिजिकल थोड़े थोड़े अभी करो, आराम से, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा
थोड़े थोड़े करो, रनिंग खास करके करो, बीच बीच में आप लॉन्ग जंप कर सकते हो, जो शॉर्ट पुट वगैरह है तो उसको एक आध बार आप ट्राई कर लो देख करके, लेकिन अदरवाइज शॉर्ट पुट वगैरह रिटर्न के बाद कर सकते हो। लेकिन फिर जो रनिंग है, और एक्चुअली 4 इवेंट, यदि आप मेल हो तो आपके पास 4 इवेंट्स हैं, फीमेल है तो 3 इवेंट्स हैं, तो मेल यदि आपको तो 4 इवेंट्स में तो 2 इवेंट्स रनिंग ही है, उस 2 इवेंट्स में यानी कि रनिंग आप करो तो 2 इवेंट्स तो ऑलरेडी हो गया, और रनिंग आप करते हो तो लॉन्ग जंप भी एक तरह से रनिंग से ही रिलेटेड है, तो यदि आप रनिंग सही से कर ले रहे हो तो लॉन्ग जंप में दिक्कत नहीं होगा। इनफैक्ट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लॉन्ग जंप में ही होता है, लेकिन रनिंग जिनका अच्छा है, रनिंग पे कमांड है, तो उनके साथ जनरली प्रॉब्लम नहीं होता है, तो रनिंग पे आपको कमांड अभी से ये करना है। एक बहुत सारे क्वेश्चंस मेडिकल वगैरह में कुछ कैंडिडेट्स के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चन होते हैं कि सर मेरे ये इश्यूज हैं। अब जैसे किसी का सपोज करो कि कोई ऑपरेशन इसके पहले हुआ हो, अब वो ऑपरेशन के जो मार्क हैं, वो जो जहां आपके टाके लगे, जहां आपके ऑपरेशन हुए वहां एक जो मार्क रह जाता है वो है, या फिर लेटेस्ट टेक मान के चलो कि आईज हैं, या फिर लेटेस्ट टेक और बॉडी का कुछ पार्ट है, तो कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं मेडिकल में वो स्पेसिफिकली मेंशन है, लेकिन मेडिकल में इतने ज्यादा टर्म्स हैं, इतने ज्यादा एस्पेक्ट्स हैं कि सारी चीजें एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में डिफाइन किया ही नहीं जा सकता है। बहुत सारी चीजें जो होती है वो आपके मेडिकल जो डॉक्टर आपको चेक कर रहे हैं, कुछ चीजें उनकी अंडरस्टैंडिंग पे होती है, और यदि आपको मान के चलो कि नॉर्मली आपने मेडिकल कराया और मेडिकल में आपके थोड़े इश्यूज हो गए, तो आपको री मेडिकल का मौका दिया जाता है, और री मेडिकल वो डॉक्टर नहीं करते हैं जो आपका मेडिकल किए हैं, तो री मेडिकल में डिफरेंट बोर्ड बैठते हैं, तो नॉर्मल में क्या है, मेडिकल जब होता है तो सिंगल सिंगल डॉक्टर्स वो रहते हैं, कि सपोज आपके आई टेस्ट करना है तो एक डॉक्टर होंगे, आपके नाक कान जो भी है वो टेस्ट करना है वो अलग डॉक्टर होंगे, जो आपके हार्ट बीट से लेकर के ये चेक करना है वो दूसरे डॉक्टर होंगे, फिर आपके कुछ ऑब्वियसली है जो यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, आपका एक्सरे कराया जाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर जो है उसको चेक करते हैं। तो जिस भी कंपोनेंट में आपके प्रॉब्लम होते हैं वो कंपोनेंट जो है बोर्ड ऑफ मेडिकल, बोर्ड जो है वो एग्जामिन री एग्जामिन करती है री मेडिकल। वंस री मेडिकल में आपको पास कर गया दिया गया, इसका मतलब है कि आपने क्लियर कर लिया, यदि उसमें से आप फेल हो जाते हो तो फिर उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, फिर नेक्स्ट ईयर ट्राई करो। जो कुछ स्पेशल टर्म होता है, स्पेसिफिक टर्म्स और स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो कोई भी जैसे कुछ कैंडिडेट्स होते हैं कि ये बोलते हैं कि सर मेरे ये इशू हैं क्या मैं क्लियर कर जाऊंगा, देखो डेफिनेटली नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि लेटेस्ट एक मान के चलो कुछ कपल ऑफ केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें सिंपल केसेस में, नॉर्मल केसेस में उनको दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट माई ऑन स्टूडेंट यदि उनका मेडिकल क्लियर हो गया हुआ होता तो वो कब के ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लिए हुए होते। अब लेटेस्ट एक आई में प्रॉब्लम है, अब वो एम्स में गए, एम्स दिल्ली में, वहां के डॉक्टर ने बोला ये नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मल एक आप अपने सारे काम सही से कर रहे हो, लेकिन जो फोर्थ की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मेडिकल में भी रिजेक्ट कर दिया, री मेडिकल अप्लाई किया गया, री मेडिकल में ऑब्वियसली एम्स में जाकर के, उसके पहले एम्स में जाकर उसने टेस्ट कराया, डॉक्टर ने बोला सही है, फिर भी उसके बाद रिजेक्ट हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वो जो डॉक्टर आपको रिजेक्ट करें वो गलत तरीके से, नहीं, एक नॉर्मल पर्सन होता है कि जिसके कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन मेडिकल जो आपका रिक्वायरमेंट अलग होता है। अब लेटेस्ट टेक ना स्वेटिंग, आप कि बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनके हाथों में पसीना आ जाता है, आपका हाथ या जो डिफरेंट पार्ट्स है वो वेट हो जाता है, अब क्या ना कि नॉर्मल में किसी को पसीना आ रहा है उस ढंग से हाथ वगैरह में जो पाम में, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से हेल्दी लाइफ जी रहे हो, लेकिन फोर्स में उसका भी एक इशू होता है, फ्लैट फुट सपोज है, वो क्या है नॉर्मल इंसान के लिए, अब फ्लैट फुट का क्या है 100% डेफिनेशन नहीं है ना, कुछ के जैसे थोड़े इश्यूज होते हैं तो अलाउ कर देते हैं, कुछ में थोड़े से अलाउ नहीं करते हैं, कहीं जो जैसे अब लेट अस टेक ओवर वेट ही, ओवर वेट का मतलब क्या है कि आप यदि जो चार्ट दिया हुआ है उससे 100 ग्राम 200 ग्राम भी ज्यादा हुए तो एक तरह से ओवर वेट है, लेकिन क्या 100 ग्राम के लिए ये ओलंपिक नहीं हो रहा है कि आप 10 ग्राम 100 ग्राम, अभी विनेश फोगाट 100 ग्राम के लिए बाहर हो गई, अदरवाइज एटलीस्ट सिल्वर मेडल मिलता, तो यहाँ ओलंपिक टर्म पे नहीं है, तो
तो 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो तक अलाउ होते हैं। लेकिन एग्जैक्ट कहाँ तक वो अलाउ करेंगे ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है ना। ये तो आप बोलोगे कि सर मैं 2 किलो हूं, तो 2 किलो से थोड़ा कम कर लो, 5 किलो हो थोड़ा कम कर लो, लेकिन एग्जैक्ट उसमें कैसे बताया जा सकता है कि एग्जैक्ट इस पॉइंट पर वो सेलेक्ट करेंगे और रिजेक्ट करेंगे। डिफरेंट बोर्ड डिफरेंट कैलकुलेट कर सकती है। लेट अस टेक हार्ट बीट वगैरह है, या आपका और बॉडी ऑर्गन्स है, या ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स हैं, या आपके एक्सरे हैं, सबके एक्सरे सो बॉडी स्ट्रक्चर का है, वो एक सा नहीं आएगा, तो एग्जैक्ट इसमें एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता है। कुछ लोग हैं जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह जो है, ये वाला ब्लड प्रेशर वगैरह का इश्यूज वगैरह होते हैं, या कुछ हार्ट बीट वगैरह के इश्यूज होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जिनका है थोड़ा सा अपने को मेडिटेशन वगैरह करते रहो, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करो। कुछ कैंडिडेट्स के होते हैं कि ठीक है मुझे थोड़ा डाउट्स है अपने हेल्थ के संबंध में, तो आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में एक बार जा करके जो 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 चीज़ में आपको इश्यूज हैं उनको आप टेस्ट एक बार करवा सकते हो। अब आप सीरियस कैंडिडेट यदि हो तो टेस्ट करवा ले सकते हो। कुछ कंपोनेंट्स होते हैं ना जिसमें थोड़ा सा आप प्रिकॉशन रखोगे थोड़ा सा, तो आपके लिए वो डिफिकल्ट नहीं होती है, लेकिन कुछ कंपोनेंट आपके बियॉन्ड में होती है। जैसे लेट अस टेक ना कि आप किसी चीज में रिलैक्स रहते हो, किसी काम में आप रिलैक्स रहते हो, तो आपका जो बॉडी का पैरामीटर होता है वो सही रहता है। जैसे आप लाई डिटेक्टर टेस्ट देखते हो तो क्या होता है कि जब आदमी सही बोल रहा है, जब आदमी रिलैक्स मूड में है, तो आपका जो बॉडी का डिफरेंट पैरामीटर से वो सही रहता है। जब कोई झूठ बोल रहा है इसका मतलब है कि आप बोल कुछ और रहे हो और आपका सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और चल रहा है, उसमें क्या होता है जो बॉडी के डिफरेंट पैरामीटर वो अलग आते हैं। तो कुछ जो कंपोनेंट्स आपके बस में है उनके प्रति करो, उनके ऊपर। मैं जो भी मेडिकल वगैरह के कुछ इश्यूज हैं, वो जो स्पेसिफिक टर्म्स टर्मिनोलॉजी कुछ कुछ चीजें जो है उसको मैं एक्स्ट्रा और डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये ध्यान रखो कि एग्जैक्ट हर चीज आपको नहीं बताया हुआ जाएगा, आपको एग्जैक्ट सारी चीजें नहीं कहा जा सकता है। तो जो कंपोनेंट्स में आपको डाउट है उसमें से आप स्पेसिफिक पूछ सकते हो, या वहाँ अवसर रहेगा तो मैं बोल दूंगा आपकी ठीक है, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो यदि आपके पास कुछ क्वेश्चंस क्यूरी होता है। लेकिन जो भी कैंडिडेट्स अब एटलीस्ट बॉर्डर पे भी हो या होपफुल हो, देखो होना ना होना बहुत लोग खास करके जो बॉर्डर पे हो उनको कुछ को लगता है, जब आपके थोड़े मार्क्स कम आते हैं तो आप एक सोचते हो ना कि बस बस थोड़ा सा कम पर चला जाए, कट ऑफ तो मेरा हो जाएगा, ऑब्वियसली है। और लेकिन हमारे चाहने और ना चाहने से तो नहीं होता है, यदि होना है तो दैट्स फाइन ग्रेट है, लेकिन आपका सपोज करो वर्स्ट केस में नहीं भी होता है रिटेन, लेकिन आप यदि 20 डेज, 30 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ से यदि रनिंग कर लेते हो तो कोई नुकसान तो है नहीं, फिजिकल फिटनेस ही आपका हो रहा है। ठीक है, तो अभी आप करते रहो, और जिनके भी सर्टिफिकेट वगैरह के हैं तो आप एज सून एज जैसे ही रिजल्ट आता है तो आप अपने उसको कर लो, और जो कंपोनेंट्स जो सर्टिफिकेट वगैरह अभी आप अरेंज कर सकते हो तो उसको कर लो। देखो हमारा जरूरत क्या होता है नॉर्मली, जो सर्टिफिकेट में 10th का सर्टिफिकेट एज के लिए, ग्रेजुएशन आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, यदि आपने कोई तो ये जनरल कैंडिडेट्स के और कुछ भी नहीं लिए हुए हैं तो यही आपका ये जरूरत होता है। एक आपका जैसे आईडी प्रूफ, तो वो आपने उसका तो पहले ही दिया हुआ है जो नॉर्मल फॉर्म भरने में ही। अब जो ओबीसी है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, जो एससीएसटी है एससीएसटी का सर्टिफिकेट, कोई यदि सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है तो उनका, आप जॉब कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट, आपने जो एनओसी लगाया हुआ है उसका, एक सर्विसमैन है में हो तो एक सर्विसमैन में जो आपने एनओसी वगैरह डाला हुआ, क्योंकि जो आपका सर्टिफिकेट होगा डिस्चार्ज वगैरह का तो वो तो इंटरव्यू के टाइम में ले जाना है। तो अब रेडी रहो, 10-15 डेज में आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, तब तक आप अपना रनिंग वगैरह करते रहो, एटलीस्ट 2 इवेंट रनिंग रेगुलर रूप से करो। रेगुलर रूप से करने का मतलब है कि आप वीक में 4 डे 5 डेज भी करोगे तो सही है, और बहुत ज़्यादा मत करो, 2 to 3 kg, 2 to 3 किलोमीटर करो, ठीक है 2 to 3 किलोमीटर। जिनका ओवरवेट है, ओवरवेट वाले प्लीज आप अपना खाना वगैरह भी, डाइट वगैरह भी कंट्रोल में लो, क्योंकि और जैसे लेट अस टेक ना कि कुछ इश्यूज हुए, जैसे मान के चलो आई में किसी का है या किसी का और, तो बोर्ड बैठेगी ठीक है, वो बोर्ड को लगेगा नहीं ये कैंडिडेट का प्रॉब्लम नहीं है तो उनको पास कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आपका ओवरवेट आप 8 kg हो तो बोर्ड मेजर करे या सिंगल आदमी मेजर करे,
आज आपका मेजर किया गया तो 8 kg, तो कल आप 2 kg एक्स्ट्रा नहीं हो जाओगे ना, 2 kg पर नहीं आ जाओगे ना, तो वो यदि ओवरवेट है उसको कम करो। बहुत सारे कैंडिडेट्स के एवरी टाइम ओवरवेट होते हैं, लेकिन डिटर्मिनेशन आपका होता है जब आप जॉब के लिए एक्टिव होते हो, जब आप पुश करते हो जाता है। ट्राई करो कि आप जितना आपका जो आपका बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार जो चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, वो सब मैं और डिस्कस करूंगा आगे, तो उस चार्ट के अनुसार देखोगे कि आप 2 kg तक आ जाओ, वो अलाउ हो जाता है, ठीक है। फिर कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, पर्सनल क्वेश्चन कुछ भी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909069 पे। ओके, थैंक यू।